एसएन एन फॉर्मूला होता है एस इक्व टू टू टी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर रो जी ठीक है एच यहाँ पे हमारा क्या होता है राइज ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब ठीक है तो यहाँ से मैं देखूँ तो टी जो मेरा आ जाएगा दैट वुड बी एच आर रो जी बाई टू कॉस ऑफ थीटा ठीक है जहा पे एच आर क्या होता है रेडियस ऑफ द कैपिलर ट्यूब रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्यूड ठीक है थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टेट जब हमारा टी डिक्रीज होगा जो सर्फिस टेंशन है तो कॉस्ट थीटा हमारा क्या होना चाहिए इंक्रीज होना चाहिए अगर कॉस्ट थीटा इंक्रीज हो रहा है तो थीटा हमारा क्या होगा डिक्रीज होगा ठीक है तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा जनरली डिक्रीज होता है ठीक है स्टेटमेंट टू में देखा कैपिलरी राइज इज ड्यू टू सर्फिस टेंशन ये भी सही है जो कैपिलरी राइज होता है हमारा सर्फिस टेंशन की वजह से ही होता है बिकॉज देखो नॉर्मली जैसे हमारी कैपिलरी ट्यूब है ठीक है ये हमारे लिक्विड में ठीक है ये हमारा लिक्विड हो गया इसमें मान राइज हुआ है ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है फोर्स ऑफ टेंशन एक्ट कर रहा होता है अलोंग द कॉन्टेक्ट जो क्या कर रहा होता है पुशेज द ट्यूब इनवर्ड्स ठीक है तो equal, एक एक रिएक्शन हमारा अपवर्ड्स की तरफ एक्ट करता है इसको बैलेंस आउट करने के लिए विच पुशेज द लिक्विड अपवर्ड्स ठीक है तो यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से ही हमारा एक ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है विच कुछ द लिक्विड अपर सो जो कैपिलरी राइज होता है ना विच इज विच हैपन्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ओनली ठीक है तो स्टेटमेंट टू भी हमारा ट्रू है सम बोल सकते हैं बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर आई होप आप सबको समझ आया होगा थैंक यू सो मच